अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आज आपको एक अपनी नई YouTube की एक छोटी सी वीडियो में। अभी टाइम है सुबह का तकरीबन 7:16 और मैं अभी तैयार होकर निकला हूँ, ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। तो माशाल्लाह से मौसम देखें, पीछे कितना प्यारा हुआ है। अभी तक सूरज नहीं निकला, बल्कि अभी हल्का हल्का सा निकल रहा है। सुबह सुबह मैं उठा हूँ तो उस वक्त बारिश हो रही थी और काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। पहले तो मुझे लग रहा था गर्मी हो गई, लेकिन सुबह की बारिश ने ना मौसम को बिल्कुल एकदम मस्त करके रख दिया है। तो रहिएगा आज मेरे साथ, आज हम कुर्बानी भी करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे फिर कुर्बानी करेंगे। तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या होता है और आज पूरा दिन हमारा कैसा गुजरता है। ईद की नमाज़ शुरू होने वाली है, लोग सफ़े बना रहे हैं अपनी अपनी। मोहम्मद हसन भी आ गया। हमारा पहला कुर्बानी का जानवर हुजर में पहुंच चुका है, सबसे पहले इसकी कुर्बानी होगी। ओके जी, ईद की नमाज़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है पढ़ ली है, और मेरी तरफ़ से सबको एक बार फिर दिल की गहराइयों से ईद की खुशियां मुबारक हों। अभी मैं जा रहा हूँ घर, घर जाके अम्मी से ईद मिलनी है और उसके बाद थोड़ा सा कुछ खाना है, क्योंकि सुबह मैंने कुछ खाया नहीं है, भूख थोड़ी महसूस हो रही है। तो उसके बाद करेंगे कुर्बानी इंशाल्लाह, और आपको दिखाएंगे वो सारा कि हम इज्तमाही कुर्बानी किस तरह करते हैं। असल में इधर ज़्यादा कुर्बानियाँ जो होती हैं वो इज्तमाही होती हैं, बकरी की कुर्बानी या सेपरेट कुर्बानी बहुत कम होती है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इज्तमाही कुर्बानी हम मिलजुल के पूरे गांव वाले लोग किस तरह करते हैं। तो चलिए और देखिए मेरी आज की आगे की वीडियो। अभी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और अभी जाते हैं कुर्बानी के लिए, देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन होता है। कोई दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है आज का, क्योंकि हम सब लोग जितनी भी गांव की कुर्बानियाँ होती हैं एक एक जानवर को गिराते हैं और सब लोग मिलजुल कर अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। तो चलिए हमारे साथ और देखिए हमारी आज की कुर्बानी का दिन।
gotta give him Redskins. इस दफ़ा माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर, मेरी लवर ने, मेरी फ़ैन ने मुझसे मेरे व्हाट्सएप, मेरे कमेंट करके मुझसे मेरा नंबर लिया था, व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर, और उन्होंने मुझे कहा था कि व्हाट्सएप पे मुझे कहा था कि अपने कुर्ते का साइज़ दे, मैं आपके लिए गिफ्ट भेजना चाहती हूँ। तो मैंने अपने कुर्ते का साइज़ जो मेरे उसके पास है, मेरे टेलर के पास है, उससे ले कर मैंने उन्हें व्हाट्सएप किया था। और ये जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है उनकी देन है, अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे और हमेशा मेरे साथ उनको रखे। इसी तरह मोहब्बत से, प्यार से आप लोग गिफ्ट मुझे भेजते रहेंगे और मैं कबूल करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, उन्होंने स्पेशल ताकीद की थी कि कुर्ता मैंने भेजना है, आप लोग, आपने ईद की नमाज़ भी इसी में पढ़नी है और कुर्बानी भी इसी में करनी है। तो वो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। ये देख लें, अगर आप देख रही हैं तो मैंने ये कुर्ता भी पहन लिया है और ईद की नमाज़ भी इसी में पढ़ी है। एक बार फिर थैंक यू वेरी मच दिल की गहराइयों से, आई लव यू आल। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। ओके जी, फाइनली गोश्त कटने के बाद घर आ गया और तकसीम भी हो गए, वो थोड़ा सा तकसीम करने वाला रहता है, तो बाकी ये काट वाट के अब अपने पकाने के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। अभी बच गए हैं शाम के तकरीबन 5:15, और गोश्त को काटने के बाद और उसको तकसीम करने के बाद अभी जाके मैं फारिग हुआ हूँ, नहाया हूँ और कपड़े चेंज किए हैं और थक हार के बिल्कुल चूर हो के आके इधर लेट गया हूँ अपने बेड पे। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि सारे अनप्रोफेशनल बंदे थे और उनके लिए काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। 3 बड़े जानवर थे जिसमें एक बैल और 2 भैंसें थीं, और उन सब को हम बंदों ने मिल के संभाला है। बंदे हों भी अनप्रोफेशनल, काम भी बहुत ज़्यादा हो, बर्डन हो, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो, कभी काम किया भी ना हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर अभी सबसे मुश्किल मरला जो था वो तकसीम करने वाला था, वो भी हो गया है और अभी घर गोश्त आ गया है। अभी काम रहता है सिर्फ और सिर्फ पकाने का, तो वो पकाने वाले जाने और उसको संभालने वाले जाने, हम तो चूर हो चुके हैं। तो ये हमारा दिन था आज का, आज की मसरूफियात थी। अभी मैं लगा हूँ थोड़े टाइम के लिए सोने, अभी शाम को सो के उठूँगा तो देखूँगा आगे क्या करना है। बहरहाल मेरी ये आज तक की वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हुई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।